लिवरपूल एक और चीज के लिए फेमस है, वो है द बीटल्स बैंड। तो यहीं पे वो लोग अपने मतलब स्टार्ट किया था, यहीं पे सामने आ गया अपना फेरी। और जो स्ट्रीट है यहाँ पे जरूर आना, बहुत सारे पब्स है, क्लब्स है। तो गाइस राम राम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, स्वागत है आपका मेरे चैनल रैचिन यूके में। और द मोस्ट अवेटेड ट्रिप जो हम जा रहे हैं, ये ट्रिप मेरे जगह पसंद है, जो पाजी को पसंद है जगह, हम जा रहे हैं गाइस लिवरपूल। और ये खड़ी अपनी ट्रेन, तो हमने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दे। कल ही का भाई रचित ने ना अपने नाम पे अभी ट्रेन खरीदी है मैंने। तो गाइस आपको ये व्लॉग में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें दिखने मिलने वाली है, मतलब आगे के तीन व्लॉग्स तो मान के चलो। लिवरपूल भी जा रहे हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं हम, वहाँ पे हम अगर स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स खुले होंगे तो वो भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है। और फिलहाल हम करने जा रहे हैं सुसु। चलो भाजी जोर से आइए आगे वाले डब्बे में यार, वॉशरूम। चलो भाजी यार, चलो कैमरा बंद हो गया। हाँ तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं लिवरपूल। मैं तो मस्त सोते हुए आया ट्रेन में, क्योंकि रात भर सोया नहीं था। एंड ये पीछे चेक करो आप, ये रहा म्यूजियम, ठीक है। और अब यहाँ से मेरे को जाना है होटल अपने, तो ये देखो ये चेक करो। अरे पाजी जा रहे हैं, पर ये जो स्कूटर लगे हुए ये रेंट कर सकते हो आप। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, ये ऐप डाउनलोड करना होता है, फिर स्कैन करके कार्ड वार्ड की डिटेल्स डालनी होती है, और इसके लिए लाइसेंस मतलब दिखाना होता है, मतलब आपको इंडियन लाइसेंस भी चलेगा, बस फोटो डालनी होती है। चुके हैं होटल में, अब देखो यहाँ पे बड़ी मतलब सिरदर्दी है एक। अभी क्या पाजी टाइम दिखाना, 10:45 हो रहा है सुबह के, 10:45 हो रहे हैं, ठीक है 10:40। और यहाँ पे चेक इन नहीं कर सकते, मतलब हम लोगों ने होटल बुक कर रखा है 4 बजे, शाम के 4 बजे, 3 बजे के बाद बोला उसने। वैसे चेक इन टाइम जो दिखा रहा है वो 4 बजे दिखा रहा है। तो भाई अब हमें बैग रख दिए, क्लॉक रूम होता है, क्लॉक रूम में बैग रख दिया, टिकट मिल गया, पाजी ने अपना बैग रख दिया, मैं तो अपना साथ में लेके जा रहा हूँ, सारे गैजेट्स हैं इसमें। अब जाते हैं आगे दिखाते हैं। और हम पहुँच चुके हैं लिवरपूल के एल्बर्ट डॉक्स पे। और भाई अब चेक करो आप ये व्यू, और वो सामने देखो स्टेना लाइन, ये जो खड़ा है सामने, भाई कितना बड़ा क्रूज है पता है, बहुत दूर खड़ा है अभी। और ये है भाई एल्बर्ट डॉक्स लिवरपूल का, और यहाँ से हम लोग फेरी पकड़ने वाले हैं। दैट्स इट, ये देखो मैरी फेरी इस जगह का नाम है, ये देख लो। और यही है भाई, मज़ा आने वाला है। और चीज़ लिवरपूल एक और चीज़ के लिए फेमस है, वो है द बीटल्स बैंड। तो यहीं पे वो लोग अपने मतलब स्टार्ट किया था, यहीं पे परफॉर्म किया करते थे। तो जो क्लब है वो जो है ना वो भी है यहाँ पे, तो टाइम मिला तो वहाँ पे भी जाएंगे। बाकी ये देखो बढ़िया आर्किटेक्चर, और वो लगे हैं देखो बीटल्स के, ये मस्त सीन है कुछ। अंदर जा रहे हैं यहाँ पे, तो भाई बैठ चुका हूँ, ये होम एंड नॉक होम पर जो होती है उसके अंदर, और कुछ ऐसा व्यू है देख रहा है यहाँ से। अभी दिखा ये देखो करके बता रहे हैं हर चीज का ना। तो बस से अभी उतर गए, ये मेन सिटी सेंटर के अंदर, कौन सी स्ट्रीट है ये, लिवरपूल वन। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स और खाने की जगह है, और शॉपिंग सेंटर है, मतलब मेन सिटी सेंटर है ये। और अभी दिखाते हैं आगे, बढ़िया यार, मैं तो बढ़िया लग रही है जगह मेरे को प्रॉपर। खाना पीना हो गया। ये है एक बहुत बढ़िया ब्रांड पोपॉइज नाम की, और भाई कसम से बता रहा हूँ यहाँ पे मैकडी बर्गर किंग ये सब तो फेल है यहाँ पे, क्यों भाजी कसम से। ये देखो ये री ब्रांड, तो ज़रूर ट्राई करना अगर लिवरपूल आओगे, ये यहीं पे ही है। बाकी लिवरपूल के अलावा भी जहाँ भी हो ट्राई ज़रूर करना, मतलब अलग ही बढ़िया रेसिपी है, मज़ा आ गया। शॉपिंग वगैरह करी वहाँ पे, मैं व्लॉग बनाना भूल गया, फोन गिर जाता अभी, व्लॉग बनाना भूल गया था। बट गए थे हम ज़ारा में और एचएनएम में और पुल एंड बियर में, तो पुल एंड बियर से मैंने एक शर्ट ली है बहुत तगड़ी, वो मैं कल पहनने वाला हूँ, तो कल के व्लॉग में आपको दिख जाएगा।
और पाजी को भी बहुत कुछ पसंद आया, पर पाजी ने बोला कि अभी लेने नहीं। क्यों नहीं लेना? उठाए कौन चलेगा? क्योंकि उठाने में कैरी करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए लिया नहीं। मेरे पास तो अपना बस्ता है। तो देखो अभी बस में बैठे हैं गाइस, और सामने से आंटी कमेंट्री कर रही हैं। ये चर्च है, बहुत प्यारा, बहुत बड़ा चर्च है ये। और आप लोग मेरे को बताना ये वाला व्यू कैसे लग रहा है आपको। और देखो अभी चर्च देखो, और ये यहाँ का स्टेशन है लाइम स्ट्रीट स्टेशन, और इधर ही अपना होटल है। अभी दिखाता हूँ, यहीं पे रुके हम लोग। और ये बहुत बढ़िया पब्स है। यही है भाई हमारा होटल। ये होटल मतलब यूज हुआ है पीकी ब्लाइंडर जो मूवी में, उसमें ये देखो यूनिवर्सिटीज निकल रही है। ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ इटली, पूरे टूर दे रही है लोग सिटी का। हम लोग बस के अंदर ही बैठे हुए हैं, और बारिश भी पड़ रही है, मीठी मीठी। बाजी भी गीले हो गए, मीठी मीठी नहीं, अब तो बीच में ज्यादा पड़ रही थी। और भाई अभी उतर चुके हैं अपनी बुक से नहीं, ये रही सामने। और कसम से बता रहा हूँ, ये बारिश ने ना पूरा मजा खराब कर दिया। ऊपर बैठे हुए थे, बारिश पड़ने लग गई। अब वाटर स्पोर्ट्स सारे बंद हो चुके हैं। मैंने सोचा था वाटर स्कीइंग करूँगा, वो जो बोट के पीछे बांध देते हैं और फिर लेके जाते हैं, बट कोई बात नहीं, अब कल जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर ट्राई करते हैं। बट मज़ा तो आ रहा है, बट ये बारिश ने, भैया जी बारिश ने दिमाग खराब कर दिया है। तो जब पिछली बार ब्लैकपूल गए थे तो उस टाइम भी बंद थी चीजें। यहाँ लिवरपूल आए, चीजें खुली हैं, पुल क्रॉस करके चीजें खुली हैं। बट द थिंग इज बारिश पड़ गई तो वाटर स्पोर्ट बंद हो गए, हाई टाइड्स आ गई तो फेरी बंद हो गई। देखो फेरी तो चल नहीं रही है अभी, तो एक ही चीज थी करने को, वो है ये लिवरपूल आए जो हम कर सकते हैं, जहाँ से व्यू देख सकते हैं। और बारिश हो रही है, इस चक्कर में ड्रोन भी नहीं उड़ा पाया। अब जाते हैं, यहाँ पे कितने का टिकट है? 12 पाउंड का टिकट है। और अभी ये लगाता हूँ माउंट सर पे, और आपको FPV व्यू मिलेगा यहाँ से। 13 पाउंड का है, बट मैं स्टूडेंट हूँ तो देखो 11 पाउंड का पड़ेगा। स्टूडेंट आईडी दिखा के ऐसा सीन। और वो रही सामने रिवर मर्सी, कुछ ऐसा व्यू है। देखो वो रही मर्सी नदी, जिसने हम पे आज मर्सी नहीं दिखाई क्योंकि फेरी नहीं चली। वो सामने देखो स्टैना खड़ा है ना, स्टैना लाइन, बहुत बड़ा क्रूज है वो, इतना छोटा लग रहा है। इतनी बड़ी नदी है, सोचो समुंदर नहीं है, नदी है। एंड देन ये बैठे अपने पाजी। और भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब इंडिया वाली जो होते हैं ना ये झूले, उसमें नीचे जाते तो डर लगता है या फिर पेट में गुदगुदी होती है, याद है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है मस्त बैठे हुए हैं सोफे पे, क्योंकि ये मोस्टेड होते हैं ना प्रॉपर, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। प्लस ध्यान, जब भी जाओ अपने स्टूडेंट आईडीज अपने साथ, हां स्टूडेंट आईडीज हमेशा रखो। देखो हमें कितना जगह डिस्काउंट, हर जगह डिस्काउंट ही मिला। और अभी देखो, अभी देखो हम लोग जाने वाले ऊपर की साइड, तो दिखाते हैं। बाकी देखो ये प्रॉपर ऐसे है ना कि मोटर से ही ऑपरेट होता है, ये नहीं कि ऊपर जाके जनरेटर बंद कर दिया। अगर किसको हाइट का फोबिया, हाइट का फोबिया कुछ दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि इंडिया में तो ऊपर जाके जनरेटर बंद कर देते हैं, वो नीचे गिरता है, फिर नीचे जब आता है फिर स्टार्ट करते हैं। ये वो बीटल्स का वो है, वो देखो था बीटल स्टोरी लिखा है वो सामने नीचे है, देखिए। और ये ऐसा कुछ कुछ व्यू है, ऐसा ऐसा कुछ व्यू है। ये देखो यहाँ पे इतनी देर हवा है, आवाज आ रही है। तो गाइस मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो मजा अब आने वाला है ना फेरी में जाके, वो नॉर्मल लो टाइड में नहीं आता। क्योंकि अभी तो मैं नज़ारे दिखाता हूँ, ये चेक करो भाई, तुम्हें एक बार टाइड देखो कितनी तेज है। वो देखो बोट ऐसे ऐसे हिल रही है, तो सोचो कितना मजा आएगा। वो आ गई अभी फेरी, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। बोरी भाई फेरी इसमें जाने वाले हैं। देखो ये सामने आ गया अपना फेरी, और ये गेट खोलेंगे फिर हम अंदर जाएंगे। करते आ चुके हैं यार फेरी पे, और ये है कुछ सीन। टाइड्स हाई है, वो फिर से देखो वो स्टैनलिंग का क्रूज खड़ा हुआ है। देखो तो उस पे जाना है,
और अभी चलेंगे फिर आगे की जर्नी दिखाते हैं। ये ओपन डेक में खड़ा हूँ मैं, ऊपर कैबिन है कैप्टन साहब का, और अभी जाता हूँ आगे ओपन डेक एक और है वहाँ जाके देखता हूँ। देखो इतनी ठंड हो रही है, इतना ठंडा टेम्परेचर हो गया कि मेरा फोन अटक रहा था अभी, बट वो जो स्टार लाइन का शिप है बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टैंडर्ड बाइक। ओ भैया जी, फेरी कर ली है कंप्लीट और कसम से मज़ा आ गया। 10 pound वर्थ इट थे, मतलब एक घंटे की फेरी थी और इतना मज़ा आया ना, मैं तो बाहर खड़ा हुआ था, बिल्कुल मेन करेक्टर वाइब आ रही थी, गाने लगा रखे थे मैंने बढ़िया बढ़िया मूवीज से और मेन करेक्टर वाइब के मज़े ले रहा था अपना, और क्या हवा चल रही थी तेज, हाथ वगैरह जम गए। तो अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, और ये तो ज़रूर करना अगर आ रहे हो ना लिवरपूल, तो ये तो मेन ही चीज़ है, मतलब यहाँ की एक चीज़ जहाँ जो तुम्हें यहाँ पे आना है वो है मर्सी फेरीज। बिग शाउट आउट टू मर्सी फेरीज। और एक और चीज, ये जो सिटी टूर लिया था ना, इसका कितना फायदा है देखो, हम लोगों ने पूरी सिटी टूर भी कर ली, अभी 24 घंटे तक वैलिड है, तो ये वाली बस में हम 24 घंटे हॉप इन एंड हॉप ऑफ कर सकते हैं, हॉप इन एंड हॉप ऑफ बस है। तो अब यहाँ से होटल वापस जाएंगे, होटल से कहीं जाना होगा फिर से इसमें बैठ जाएंगे, तो बढ़िया भाई, ना कैब के पैसे लगेंगे ना तुम्हें और किसी बस में पैसे देने पड़ेंगे, नॉर्मल यही ले लो 18 pound में। क्यों भाजी 18 pound में फेरी भी और हॉप इन एंड हॉप ऑफ बस भी, और कितना भी बैठो कितना भी चढ़ो। फाइनली रूम हमें मिल चुका है, और इसी रूम में पीकी ब्लाइंडर्स की शूटिंग हुई है, इस रूम में नहीं, इसी होटल में। और अभी चलते हैं अंदर, यहाँ पे हल्के बोलना होता है, ये लोग भला कंप्लेंट कर देते हैं। तो फिलहाल देखो ये है एंट्री, ओपा जी नहीं करना, एंट्री करते ही ये देखो ये बंद था वैसे तो, ठीक है ये देखो पूरे पुराने जमाने वाले डोर हैंडल्स हैं। और घुसते यहाँ पे है बाथरूम जिसमें लगा है ये टब, आई नो इतना खास बाथरूम नहीं है, और ये बस टेबल सी लगा रखी है। बजट ट्रैवलिंग करनी होती है तो रूम इतने खर्चा नहीं करना, वैसे 4-star होटल है, 4-star है, 3-star है, बट अपने टाइम पे ये 10-star यहाँ पे सारी मीटिंग्स बोर्ड मतलब जितनी चीज होती थी शूटिंग वगैरह ना मूवीज की बहुत सारी हुई है। तो एनीवेज ये देखो ये कबर्ड है, पंखा भी दे रखा है, कीकर भी लगे किसी को रात, ठीक है ये अब मेन तुम्हें देते हैं रूम का। देखो गाइस ये है अपना रूम, पाजी बैठे हैं यहाँ पे ये क्या तब आ गया ये लचमोन लचमोन। एनीवेज गाइस बस इतना ही है, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। तो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ना वो दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो, देखते हो ना मूवीज में ऐसे बोर्ड रूम्स, ये देखो पार्टीज होते हैं ना, हाँ छोटे छोटे हाँ नीचे आते हैं फिर वो प्रॉपर, ये देखो देख रहे हो, ये देखो ये इधर से हम आए नीचे उतर के, ये देखो अरे छाता नहीं लाए यार, बारिश पड़ती रहती है, हम बैग के अंदर छाता बड़ा हमारा। तो भैया जी बात ऐसी है, सो गए थे हम लोग बहुत तगड़ी वाली नींद, कितने घंटे सोए हम, दो घंटे इतना तगड़ा सोए हैं, फिर मैं तो भाई मेरे को तो कुछ होश ही नहीं था कि मैं तो सोता रह जाता अगर पाजी नहीं उठाते, फिर पाजी ने उठाया, कह रहे भाई लिवरपूल की नाइट लाइफ तो देखो, तो भाई आ गए हैं अब दिखाएंगे आप लोगों को नाइट लाइफ, और क्लब ही क्लब है ये पूरी लाइन पूरे आ गए, ऐसे क्लब ही क्लब है यहाँ पे, बट हम जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस जिसका नाम है एल्बर्ट स्कूल, इसकी भी कुछ तो हिस्ट्री थी, हाँ इसकी कुछ तो हिस्ट्री थी जो मैडम ने बताई थी हमें टूर ने गाइड ने, बट हमने सुनी नहीं,
चलो अंदर के देखते हैं, चलो अंदर जाके देखते हैं क्या। तो भाई ये देखो तो गाइस वाले पब से तो आ गए थे क्योंकि कुछ खास नहीं था, बट ये वाले में आए हैं। इसमें भाई गेमिंग सेंटर है पूरा, मतलब आप चेक करो सारी चीज़ें हैं, मतलब आइस हॉकी से लेके कार रेसिंग, पैकमैन, स्किल शूटर और हर चीज़ है। मतलब अभी हम लोग आइस हॉकी खेलने वाले हैं, बाकी आगे आपको दिखाते रहेंगे। ये नाइट लाइफ यहाँ की बहुत औसम है, अभी तो वीकेंड भी नहीं है फिर भी बहुत सारे लोग बाहर हैं, मज़ा आ रहा है। निकल चुके हैं पीछे से, प्ले बॉक्स नाम है क्लब का, इतना मजा आया ना हमने गेम्स खेले। बाकी अभी देखते हैं, और बहुत सारे क्लब्स हैं और यहाँ की नाइट लाइफ इतनी बढ़िया है ना, मतलब लोग मजे कर रहे हैं खूब। ये देखो गानों की आवाज़ आपको आई रही होगी, यहाँ पे भी क्लब्स हैं, क्लब वब्स हैं, एंड ये देखो इधर भी आगे जाके हैं। तो इस स्ट्रीट का नाम है बॉन्ड स्ट्रीट, बोल्ड BOLD बोल्ड स्ट्रीट है स्ट्रीट का नाम। तो बेसिकली यहाँ पे वीक डेज पे इतनी भीड़ है, तो सोचो कि वीकेंड्स पे कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। जो ये स्ट्रीट है यहाँ पे ज़रूर आना। बहुत सारे पब्स हैं, क्लब्स हैं, काफ़ी अलग तरीके की, जैसे कोई गेमिंग वाला है, कुछ किसी में डांसिंग है, सिर्फ किसी में कैरियोके है, तो बहुत अलग अलग तरीके के हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आना। और देखो गाइस वापस आ चुके रूम, और सच में बता रहा हूँ काफ़ी कुछ था रोमांचक करने को, बट वही है कि टाइम भी नहीं हमारे पास और कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। तो मैं भी अभी चेंज करके बस सोने जा रहा हूँ, और पाजी भी ये रहे चेंज कर रहे हैं। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लिवरपूल जरूर आना, और ये वीडियो देखोगे तो एक लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा फिर बाय।